व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी है तो आपके लिए काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि कुछ ब्लैक एनर्जीज भी हैं जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ सोचने नहीं देती हैं, बिल्कुल हैं। आपका पार्टनर आपसे चीट कर चुका है या अभी भी चीट कर रहा है, फ्लर्टी नेचर का हो सकता है ये बंदा, और या फिर कहीं ना कहीं इन सब स्थितियों में फंसाने वाली ये ब्लैक एनर्जीज़ हैं। इनसे आपके वजह से आपका पार्टनर ब्लैक एनर्जीज़ में फंस के ही ये चीटिंग कर रहा है। और फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के, आपके साथ विशेज हैं बहुत सारी जो फुलफ़िल करने की इच्छा है, वो आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से निकल जाओ। उन्हें फील हो रहा है कि शायद आप उनको इग्नोर कर रहे हो और आप उनकी लाइफ से निकल चुके हो, उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से जाओ। बट बंदा चीटर है और ये फ्लर्टी नेचर का है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बावजूद इसके आपको अपनी लाइफ में होल्ड करके रखना चाहते हैं, बहुत सारी विशेस हैं जो फुलफ़िल करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में फैमिली बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, इनके फैमिली के मेंबर्स नहीं चाहते कि आप और इनका कुछ अच्छा हो, आप दोनों में कुछ यूनियन रियूनियन हो, नहीं चाहते हैं फैमिली वाले। और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में जो मतलब जो फैमिली है वो आपके इस कनेक्शन में इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी वही है आपके इस कनेक्शन में, या कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी, इनका ईगो भी हो सकता है जिसकी वजह से, अपने ईगो के वजह से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वे भी नो कॉन्टैक्ट में हो तो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पता है कि आपके सवाल और इनके झगड़े, आप अगर सवाल करोगे तो इनका ईगो आड़े आएगा और वो झगड़े हो सकते हैं आपके साथ, तो इसलिए ऐसी कंडीशन वो मतलब इसकी वजह से उन्होंने अपना पैर खींच रखा है, इच्छा है आपकी तरफ आने की, इमोशंस काफ़ी हैं इस वजह से, बावजूद इमोशंस होने के बावजूद वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनका ईगो सबसे बड़ा है और दूसरा झगड़े का डर, स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर। वो मून की एनर्जी है तो कुछ लोगों की लाइफ में उनकी थर्ड पार्टी उनकी माता जी भी हो सकती हैं, कुछ लोगों की लाइफ में उनकी फैमिली हो सकती है, और कुछ लोग अगर शादीशुदा है तो वाइफ भी हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में वो लव पार्टनर भी हो सकता है जो आपकी तरफ आने से उन्हें अक्सर ही रोकता है, क्योंकि ब्लैक एनर्जीज़ यूज़ हो रही हैं आपके इस कनेक्शन को रोकने के लिए। बट व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ आने वाला है, व्हील मतलब गुड लक का पहिया आपके लाइफ में घूम चुका है, कितना भी कुछ हो जाए, टूटा हुआ दिल, आपका पार्टनर टूटा हुआ है, आप भी टूटे हुए हो, और बावजूद इसके कुछ भी कोई भी रोक ले, लेकिन आपका बंदा आपकी तरफ आएगा, निर्विनिंग करेगा थोड़ा कुछ, चूँकि ब्लैक एनर्जीज़ का यूज़ हुआ है इसके वजह से बंदा रुका हुआ है, हाँ, बट उसने जो किया उसका रिग्रेट है, उसे स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा है, वो स्ट्रेंथ की एनर्जी है तो इकट्ठी कर रहा है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ इकट्ठी करके वो आपकी तरफ आएगा, काफ़ी पेशेंस बना के रखा है उसने, और जजमेंट आने वाला है, क्योंकि डिवाइन का जजमेंट आने वाला है, कोई भी कुछ कर ले, कोई भी ब्लैक एनर्जीज काम नहीं आएंगी, क्योंकि जब डिवाइन जजमेंट करते हैं ना, जब एंजल्स एंड सिस्टर्स आपका साथ देते हैं, तो किसी के भी ब्लैक एनर्जीज़ की नहीं चलती है, प्लॉटिंग चल रही है आपके पार्टनर की। आप लोगों में दूरियां हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों में हो सकता है, लेकिन कोई भी दूरी कुछ भी, आपका अगर डेस्टिनी में आपके ये पार्टनर लिखे हैं, आपको ईश्वर ने अगर ये पार्टनर दिया है, तो कोई भी ब्लैक एनर्जी और कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ को मतलब आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग इनके साथ होने से नहीं रोक सकती है। तो ईश्वर का जजमेंट आने वाला है और भाग्य का पहिया घूमने वाला है, कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतने ज़्यादा क्यों, कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ हैं जो नहीं चाहती कि मैं आपको इस रीडिंग को मतलब मैं करके बताऊं कि क्या सिचुएशन है। मैंने तीन बार कार्ड को उठाया है, बार बार कार्ड्स गिर जा रहे हैं, देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ अगर होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं, एंजल्स एंड सिस्टर हेल्प करें। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशंस, बंदा इमोशनल है आपको लेकर के, काफ़ी इमोशंस हैं उसके अंदर, वो कुछ डेथ करेगा, उसकी लाइफ में कुछ डेथ होने वाला है,
या तो थर्ड पार्टी का डेथ होगा, अगर फैमिली है तो इतने आसानी से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर कोई लव पार्टनर है तो उसका डेथ करके आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा बिल्कुल। हाँ झगड़े हो सकते हैं आप लोगों में, अगर वो आता है तो आप लोगों के झगड़े हो सकते हैं संभल कर। बहुत लोगों के कॉल मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, क्योंकि कुछ जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे बताया है, कमेंट्स में भी लिखा है कि दीदी हमारा पार्टनर आया था या उसने वीडियो कॉल किया और उसके बाद फिर से हमारी बातें नहीं हो रही। तो हो सकता है कि आप दोनों के मतलब अभी सोच मैच नहीं कर रही हो, या फिर थर्ड पार्टी का किया कराया जो है उसका असर हो, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेट करो, पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा। तो बंदा हैंगमैन की पोजीशन से बाहर खुद को निकालने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी सोच रहा है इस कनेक्शन के ऊपर, काफ़ी इमोशंस हैं आपके लिए, बावजूद क्यों नहीं मैं बढ़ पा रहा हूँ इस पे सोच रहा है, क्या सच में किसी ने ब्लैक मैजिक का यूज़ किया है, ये भी अब उसे अवेयरनेस आ रही है। सेल्फ लव खुद भी कर रहा है, वो आपको सेल्फ लव करता हुआ ग्रो करता देख रहा है। पास्ट में उसने इंसान तो समझा ही नहीं आपको, आपकी काफ़ी बेइज्जती की, इस पर भी काफ़ी सोच रहा है कि मैंने क्या किया। पास्ट की बात है, अगर फोटो कॉल मैसेजेस कुछ भी ऐसा है उसके पास सेव है, वो देख रहा है पास्ट की चीज़ों को देख रहा है और काफ़ी सोच रहा है आपके विषय में, और आगे जाकर के कैसे हार्डवर्क करने की वो सोच रहा है कि मैं इस कनेक्शन में क्या करूं, हार्डवर्क करूं। इक्वल गिव एंड टेक पास्ट में उसने नहीं किया, लेकिन अब वो आपके इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, फूल की एनर्जी में आके। कुछ लोगों के पार्टनर सबके साथ नहीं, आप रेजोनेट करता है तो आप लेना, ऐसे नहीं। कुछ लोग के पार्टनर फूल की एनर्जी में आके आपके तरफ बढ़ेंगे, दूसरों की परवाह बिना किए। और फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी रिग्रेट में है, काफ़ी दुखी है, लोनलीनेस उस पर हावी हो गई है, गिल्ट उस पर हावी हो गया है, काफ़ी रिग्रेट है भाई, बहुत दुखी है बंदा, हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है। पास्ट हो सकता है जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया आपके ऊपर, उसने वही हाल उसका किया जो आपके पार्टनर ने आपका किया, आपके साथ जो व्यवहार किया गया आपके पार्टनर ने जो किया उसके साथ भी वही सब कुछ सेम टू सेम हो रहा है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, पास्ट में बंदे ने सोचा कि शायद जिसके आपको छोड़ के वो जिसकी तरफ गया उसे लगा कि वो उसके सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी, अगर वो इस कनेक्शन के बारे में जानते हैं तो वो गया तो उसे लगा कि शायद यही मेरी ट्विन है, हो सकता है ये बचपन के पार्टनर रहे हों तो उनको ये लगा कि ये मेरी ट्विन है, लेकिन आज उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि मैंने सिलेक्शन किया तो किया लेकिन गलत किया, उन्होंने जो गलत सेलेक्ट किया उसका रिग्रेट उन्हें है, उसका गिल्ट है उन्हें। अब वो आए तो कैसे आए, क्योंकि स्ट्रेंथ तो है नहीं, लेकिन हाँ इकट्ठा कर रहा है बंदा स्ट्रेंथ आपकी तरफ आने को, वो तैयार है। एक कार्ड और मैं ले रही हूँ बस, अगला नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। तो नेक्स्ट एक्शन सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो वो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए लेंगे, लोगों से लड़ेंगे। अगर आपकी लाइफ में मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मतलब आपके इस कनेक्शन को लोग रोकना चाहते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए आपका बंदा ये उसने डंडा उठा लिया है और उन लोगों से वो लड़ने को तैयार है। और बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जस्ट इसके नीचे देखो एस ऑफ वंस की एनर्जी, तो आपका बंदा आपसे न्यू बिगनिंग करने को तैयार है, क्योंकि अब वो आपको अपनी क्वीन की तरफ देख रहा है, और जस्ट उसके नीचे स्टार कार्ड है तो बैलेंस करेगा वो आपके साथ। बहुत सुंदर एनर्जी है आपके पार्टनर की आपके लिए, पास्ट में एनर्जी नहीं थी, हाँ थी भी तो उसको ब्लैक एनर्जीज के द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन अब जब भाग्य का पहिया ही आपकी तरफ है तो कोई ब्लैक एनर्जीज वाइट एनर्जीज कुछ भी नहीं कर सकती हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे किसी का भी कुछ भी मतलब इन्वॉल्वमेंट हो, कोई भी कुछ भी रोकना चाहता हो कोई नहीं रोक सकता है। तो देखते हैं पार्टनर आपके क्या कहना चाहते हैं, रैंडमली कुछ मैसेजेस पिक करूँगी, तो देखते हैं कि अब वो कहना क्या चाहते हैं। ओके ट्रस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो, आपकी लाइफ में ट्रस्ट की कमी है, आपके इस कनेक्शन में ट्रस्ट की कमी है। आई वांट टू बी विथ यू, आपके साथ रहने की इच्छा रखते हैं। गाइज मुझे नहीं लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें मुझे ये समझाने की ज़रूरत है, ये छोटी सी मतलब इंग्लिश है, आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, वो लू आपको मतलब खोना नहीं चाहते, वो डरे हुए रहते हैं। इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू लव लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। के इनिशियल
आई नीड टाइम फॉर मी, वो उन्हें कुछ समय की ज़रूरत है, टाइम चाहिए, क्योंकि रायते सारे फैलाए हैं तो सारे उन्हें समेटने हो गए। लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, लाइफ कम्प्लीट नहीं है आपके बिना, इनकम्प्लीट कम्प्लीट है। फॉरगिव मी प्लीज़, फॉरगिवनेस चाहिए उन्हें। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, यू आर माई लास्ट लव। तो आप उनके लास्ट लव हो भाई। तेरे बिना मुमकिन अपना गुजारा है, तेरा जाना जैसे कोई बद्दू। यू आर नंबर वन इन माई लाइफ, उनकी लाइफ में आप नंबर वन हो। फैमिली फैमिली इश्यूज हैं आपके, मतलब आपके इस कनेक्शन में। मिसिंग यू, मिसिंग यू, तुम्हें भूल रहा तो चाह। सॉन्ग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपका पार्टनर लगता है कि सॉन्ग सुनता है गाइस। ओके, कॉल मी, ब्लैंक है, हैंगमैन वाली पोजीशन है तो ब्लैंक है आपका पार्टनर। आई एम स्ट्रक इन कार्मिक सिचुएशन, वो कार्मिक में स्ट्रक है। इमेजिन करते हैं आपको काफ़ी। यू आर माई लास्ट लव अगेन, कन्फर्मेशन। आई लव यू विद एवरी बीट ऑफ माई हार्ट। माई लाइफ इज नथिंग विदाउट यू अगेन, एम इनिशियल, बी डब्ल्यू सी, अगेन एम। आई कॉन्ट बेयर दिस डिस्टेंस एनी मोर, डिस्टेंस उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। मिसिंग यू, यू आर माई इन इन फाइव विलियंस। लव कैन नॉट लीव वेयर देयर इज नो ट्रस्ट, तो ट्रस्ट तो बहुत ज़रूरी है इसमें। सैड, आई नो यू आर द वन फॉर मी, बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आई लव यू फॉरएवर। कुछ इनिशियल्स लेते हैं। ओके, एफ, एफ फॉर फरहान। वी, वी से तो बहुत सारे। एस डी, ओके। आफ्टर सेपरेशन आई एम इन एक्सट्रीम पेन, सेपरेशन के बाद वो दुख में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा पेन है। यू आर माई सन, माई मून, ऑल माई स्टार्स, आई वॉन्ट टू बी विद यू। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं आपके बारे में। प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस, तो उन्हें एक और चांस की ज़रूरत है। तो फिलहाल इतना ही, अगर आपको अच्छी लगे रीडिंग लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।